बिजनौर में दोस्तों एक बहुत बड़ी वाहियात जो घटना हुई है वहाँ पे कुछ युवक जो होली खेल रहे थे, होलिका दहन का कार्यक्रम हो रहा था, उसके बाद वो लोग होली खेल रहे थे, उस दौरान दोस्तों एक मुस्लिम दंपति जा रहा था एक बाइक पे, बच्ची साथ में थी, उनकी माँ शायद साथ में थी, वो लोग साथ में जा रहे थे, उन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती रंग फेंका गया है, उन लोगों को रंग लगाया गया है, उनके खिलाफ दोस्तों पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया है, उनको पुलिस ने बहुत जल्द उनको पुलिस उठा भी लिया है उनको। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे आप हिंदू समाज से बिलोंग करते हो, चाहे मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर अपना कोई भी त्यौहार मना रहे हैं, कोई भी आप धार्मिक जो आपका धर्म है उस हिसाब से अगर आप चल रहे हैं तो आपको उस हिसाब से चलना चाहिए। मुस्लिमों में रंगों का त्यौहार नहीं मनाया जाता, रंग नहीं खिलाया जाता है, और बिना किसी के इजाज़त के बिना आप रंग नहीं डाल सकते हैं, मुस्लिम समाज की कोई भी लोग हों। अगर उनके पसंद नहीं है तो बातें अलग हैं, और पसंद है तो बातें अलग हैं। तो दोस्तों अगर कोई भी अगर भाई हमारा है जो होली खेल रहा है और वह इस तरह से कोई अगर कृतक कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, किसी के ऊपर होली फेंक रहा है, रंग फेंक रहा है, तो दोस्तों गलत है, आप लोग ऐसा गलती बिल्कुल मत करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग होली सौहार्द से प्रेम पूर्वक अच्छे से मनाइएगा, ना कि किसी को परेशान करके, क्योंकि दोस्तों होली प्रेम पूर्वक मनाया जाता है, होली खुशियों का त्यौहार है, ना कि गमों का। और मैं यही आशा करता हूँ कि आप लोग कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करिएगा जिससे अन्य और किसी भाई को समस्या हो, और कोई आपसे जले, कोई आपसे आपके ऊपर FIR करवाए, ये बिल्कुल मैं नहीं चाहूँगा। जिस तरह से यह घटना हुई है बिजनौर में वह निंदनीय दोस्तों, शर्मनाक घटना है, इस तरह होना ही नहीं चाहिए। और आपका इस पे क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। यह जो वीडियो है मैं आपको बीच में शेयर नहीं कर सकता, मुझे इतना बेकार लग रहा है। वह जो दंपत्ति है वो मना कर रहा है कि प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन वहाँ के जो लड़के हैं वह लोग रंग लगा रहे थे। बाकी क्या पूरी कहानी है दोस्तों, यह तो पुलिस का काम है, वो चेक करे, और अगर लड़के दोषी हैं तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे किसी भी धर्म या किसी भी जात या मज़हब के आप लोग हों। दोस्तों आपका इस पे क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा।